सुरेश प्रभु बरेली में थे और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने काले धन वालों पर जमकर निशाना साधा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने निशाना साधा। देश के विकास में जो अलग अलग दिक्कतें हैं, इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत यदि होगी तो है काला धन। हम मानते हैं और जानते भी हैं कि काले धन की वजह से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सही मायने में मुंह काला करके भाग जाना चाहिए। वो तो अपने चेहरे पे अलग अलग तरीके से चेहरा बदलकर समाज में घूम रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको तो बेचारों को जिंदगी जीने के लिए भी अलग अलग दिक्कतें आ रही है। तो ये सब टालने के लिए मोदी जी ने 8 नवंबर को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, काले धन को खत्म करने के लिए एक कदम, पहला कदम उठाया। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ 500-1000 रुपए की नोटें बंद करके हम काले धन को खत्म करेंगे। सुरेश प्रभु ने इस मौके पर बीजेपी के झंडे को पूरे यूपी में भी फहराने की बात की, जिससे यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बन सके। पूरे राज्य में एक बड़ी मात्रा में सब लोग उठकर भाजपा का झंडा कंधे पर लेकर कितने दिनों से पूरे रास्ते से चले चले, आज हमारी परिवर्तन यात्रा भी यहाँ पर आप पहुंचेगी और कुछ दिनों में 24 तारीख को लखनऊ में भी पहुंचेगी। जब वो लखनऊ में पहुंचेगी तो सिर्फ लोग बड़ी मात्रा में चलते चलते नहीं आए होंगे, तो उस दिन सब लोग इसलिए वहां पर मौजूद होंगे कि हमको मिलकर उसी लखनऊ में इसी भाजपा का झंडा वहां के विधानसभा